गोहाना के गांव मंडलाना के पास रेल लाइन के स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री के गेट के सामने करंट लगने से 3 कामगारों की मौत हो गई और 1 झुलसने से घायल हो गया। हादसे में मरने वाले 2 सगे भाई थे जिनके घर पर मातम पसरा है। हादसे की सूचना मिलते ही मंडलाना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैला मेडिकल कॉलेज भिजवाया। परिजनों ने बताया कि गांव मंडलाना के पास सिमकोन फैक्ट्री में रेल लाइन के स्लीपर तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री के गेट के ऊपर से बिजली की हाई टेंशन लाइन है। सोमवार देर रात को श्रमिक सीढ़ी को फैक्ट्री में ले जा रहे थे तो बिजली लाइन के तारों से टकरा गई। इसी दौरान मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। पता जी, जैसे कल बकराईद थी, मैं छुट्टी पे था तो मैं ड्यूटी पे आया नहीं, तो मेरे पास मेरे मित्र का फोन आया जापान का, इसका अमरनाथ का जी, तो उन्होंने बताया कि ज्योतिष और राजन एक्सपायर कर गया। मैंने सच्ची मजाक करे, फिर मैंने दूसरे भाई के पास फोन मिला, चीन के पास। मैं बोला भाई क्या बात है, अमरनाथ ऐसे ऐसे कह रहा, तो बोला सही बात है, एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा कंपनी के अंदर। माँ वो कैसे भाई, बोला छुट्टी हुई थी 6 बजे तो आना रहते हैं अपना कंपनी में काम करके, तो कोई मैनेजर होगा, क्या नाम था इसका, अच्छा किसी ने बोला मैनेजर ने, मतलब शर्मा या किसी ने भी, अब सीढ़ी हटा दो। तो लापरवाही तो है, सर उतर तार नंगे पड़े हुए हैं, कई बार कहा भी होगा कि ना सही कर दो नहीं कर दो, तो वहाँ ध्यान दिया नहीं किसी ने, तो लोहे की सीढ़ी थी जैसे बोर्डर टाइप बना देते हैं 4 पहियों वाली, तो वही जाकर उसमें तार में भिड़ गई, तो इस चक्कर में 4 बिजली पकड़ ली, 11,000 वोल्टेज थी, नंगे तार है सही पड़े, जाकर देख सकते हो। 3 ना की हुई जी, एक का नाम विकास था, एक का नाम राजन है जी, एक का नाम ज्योतिष है, और चौथा जी घायल है। चार थे जी साथ में। दो भाई है मरने वाले? हाँ जी, 2 सगे भाई है। रहने वाले? ये कुशीनगर के रहने वाले जी, किराए पे पानीपत रहते हैं जी, अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, किराए पर रहते हैं जी। परिवार में 2 भाई थे? 2 भाई थे जी, बस 5 बच्चे हैं, एक उनकी वाइफ रहेगी, उसकी माँ बेचारी बुजुर्ग है जी, देख सकते हो। वो जी जैसे ऑन ड्यूटी था तो बता रहे थे ये जो मालिक से कई बार लाइन जा रही थी ऊपर के, और पहले भी उन्होंने कहा था कि जी इस लाइन का कुछ समाधान करो, और वो नहीं रहा था उसका, और फिर जैसे वो था सुपरवाइजर या मैनेजर, वो गाड़ी निकाल रहा था तो बच्चों को कहा बोला ये सीढ़ी हटा दो, जो धक्के डल मारी है वो धक्के में लग गए, जब तारों का हो गया सीढ़ी लग गई तारों में। हाँ हाँ, कितने जने थे मौके पर? और वर्कर भी थे, बाकी ये तो 4 जने थे, तो 3 तो ऑन द स्पॉट उधर ही हो गई। एक आए? हाँ एक आए। क्या क्या नाम है? विकास नाम, धर्मपाल। कहाँ का रहने वाला? मारा गाँव का। जो आपका परिजन? हाँ। और बाकी कहाँ के हैं? वो पानीपत के। आप क्या लगते हो? मैं अंकल लग पक्का। जिस तरह से हादसा होता है क्या कहना चाहोगे? इसमें तो जी ऐसा है, वो ओनर किए है जी, मान लीजिए जब पहले भी उन्होंने कहा उनको और वो करवाई नहीं लाइन उनको। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? उसकी है ये, सभी पर है ये पत्थर रेलवे का। हाँ, सिलिकॉन वो ये बता। आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर है। मैं एक छोटा लड़का है और ये पिताजी है, ये भी ऐसे ही हैं, तो सारा परिवार उसी पे था ज्यादातर। नहीं, शादी तो नहीं थी, अनमैरिड ही था। कितने परिवार में और कितने सदस्य हैं? उसमें 4 थे, 3 और। वहीं मामले की जांच कर रही एसआई नरेंद्र ने बताया कि इस मामले में लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है, जांच में जो भी सामने आएगा उसी के बाद कार्रवाई की जाएगी। बीपीएस खानपुर कला से 3 व्यक्ति कर बिजली का करंट लगने के कारण एक्सपायर हो गया है, एक घायल है, जो वहाँ पे खानपुर जाएगा, वहाँ की स्टेटमेंट ली गई जिस पर FIR लॉज की गई। सिमकोन फैक्ट्री के अंदर बिजली के तार गए हुए थे, वहाँ पे जो सीढ़ी थी ट्रॉली वाली वो बिजली के तार से टच हो गई थी, जिसमें FIR दर्ज की गई। तो इसमें जो फैक्ट्री के मजदूर हैं, ये फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर थे। कितने इसमें 3 एक्सपायर हुए हैं, 2 तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ज्योति सैनी और राजन सैनी, एक गांव मारा का रहने वाला वो एक्सपायर हुआ, और जो गांव जाक्षी का वो घायल हुआ। कार्रवाई क्या की? कार्रवाई FIR लॉज की जा रही है और आज पोस्टमार्टम करवा जाएगा। लापरवाही का मामला दर्ज? लापरवाही के संबंध में FIR लॉज। बता दें कि दोनों मृतक सगे भाई ज्योतिष सैनी व राजन सैनी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो वहीं विकास गांव महारा के रहने वाला था, जबकि जागसी गांव का नितिन इस हादसे में झुलस गया, जिसका महिला मेडिकल में इलाज चल रहा है। हादसे में दोनों भाइयों के चले जाने से अब उनके परिवार में और कमाने वाला नहीं बचा।
ज्योतिष शादीशुदा था और उसका भाई राजन अभी कुआना था। ज्योतिष अपने पीछे पत्नी व 5 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया, जिसके बाद सभी के घर में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।